आप नए हो, धर्मवीर जी तो लास्ट इसमें थे, तो ये जो है, ये सेशन जो है आज का, ये सेशन है हमारा हीलिंग का। अब हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जितने भी पांच तत्व है, पांच तत्वों को बैलेंस करना। यदि आपके ये पांच तत्व बिगड़ जाए, अगर वो थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाए, तो हमारी जिंदगी में भी इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमारा शरीर भी इनबैलेंस हो जाता। केवल शरीर ही इनबैलेंस नहीं होता, तो हमारे साथ घटने वाली जो घटनाएं हैं वो भी इनबैलेंस हो जाती है। और हम फिर दोष देते बैठते कि नहीं, मेरे तारे ऐसे हैं, मेरे आज नसीब में ही ऐसा है। वो ऐसा कुछ नहीं है। तारे, ग्रह तारे, कुंडली जो है, कुंडली अपनी जगह सही है। ग्रह तारे भी मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रह तारे का असर हमारे जीवन पे नहीं गिरता, गिरता है। लेकिन बहुत सारी चीजें तो हमारे जो अंदर है, क्योंकि ग्रह तारे बाहर है तो ग्रह तारे अंदर भी है, क्योंकि स्पेस तो हमारे भी अंदर है। तो जो पांच एलिमेंट्स है हमारे, फाइव एलिमेंट्स जो है, अगर वो फाइव एलिमेंट सही ढंग से अगर चले, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति, जितना भी चलता है ना आजकल की कुंडलिनी शक्ति को बढ़ाना है, मुझे थर्ड आई एक्टिवेशन करना है, तो ये सारा जो चक्कर है ये पांच तत्वों पे। अगर ये पांच तत्वों में से कोई तत्व अगर कम है, तो कितना भी मेहनत कर ले, कोई कुंडलिनी उसकी जागृत नहीं होती। और वैसे भी कुंडलिनी किसी की भी जागृत पूरी नहीं रहती है, नॉर्मल रहती है। कुंडलिनी जागृत है, इसीलिए हम लोग जिंदा भी हैं, इतना ध्यान में रखो। लेकिन अगर कुंडलिनी लिमिट से ज्यादा अगर समझो जागृत हो गई, तो उसका एक ही परिणाम देखने को मिलेगा। या तो आप भगवान बन जाओगे, या तो आप मेंटल हो जाओगे, पागल हो जाओ। अधिकतर जितने भी पागल होते हैं, आपने रास्ते पे देखे होंगे, आपके दिल्ली में भी देखे होंगे, हरियाणा में देखे होंगे, कि बहुत से ऐसे पागल घूमते हैं। और उनको देखो आप, वो सामान्य लोगों से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उनको ठंड ठंड नहीं लगती, उनको गर्मी नहीं लगती। उसको अगर किसी दौड़ने को बोलो तो दौड़ जाता, किसी के शरीर पे कुछ भी कर सकता हो। और वो क्या है, उसकी वास्तव में अगर कुंडलिनी देखी जाए, उसको अगर चेक किया जाए, तो उसकी कुंडलिनी बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन समस्या मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो पूरी कुंडलिनी जागृत अगर हो जाए पूरी, तो वो व्यक्ति भगवान बन जाएगा। और भगवान धरती पे रहते नहीं, भगवान धरती पे रहते नहीं। रहते नहीं का मतलब विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देते, अदृश्य स्वरूप में है, क्योंकि वो भगवान है। तो फिर वो जो पूरा हो जाएगा तो भगवान हो जाएगा, तो वो इस धरती पे रहेगा नहीं, यानी उसको मरना निश्चित है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर कुंडलिनी वैसी जागृत हो जाए, तो वो होने के बाद क्या होता है कि हमारा ये शरीर कोई भी चीज को सहन करने की क्षमता है, हर किसी की क्षमता है, ठीक है। करंट को अगर हम उंगली डाले, हमको थोड़ा सा भी करंट लगा तो हम हाथ खींच लेते। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं, आपने देखे होंगे टेलीविजन पे और यूट्यूब पर, कि वो लोग करंट में, इसमें प्लग में हाथ डाल देते हैं या तार को हाथ में पकड़ लेते हैं, चालू इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ नहीं होता उनको। क्योंकि उनके शरीर में उस टाइप से बन चुका है, लेकिन वो हमारा नहीं, वो हमको लगा है, पर हमको करंट लगता है ना। तो ये डिफरेंस है। अगर वो वहां पे उसकी कुंडलिनी वो हिसाब से अगर जागृत हो जाए, और उसका शरीर अगर उस चीज को दहन करने के काबिल है, तो ही वो व्यक्ति सही ढंग से रहेगा। अन्यथा जैसी कुंडलिनी तुम्हारी जागृत होती जाएगी, ऐसी वो ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर से नीचे तो जाती नहीं, नीचे अगर जाएगी तो जमीन में धस जाएंगे, यानी मूलाधार से निकल जाएंगी ऊर्जा। और आमतौर पे हम लोगों की ऊर्जा, जैसे जितने भी लोग हैं, सब हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे जा रही है, इसीलिए हमारी ऊर्जा जो है वो ऊर्जा कम होती है। इसलिए मेडिटेशन करो तो ऊर्जा ऊपर जाती है। ये सारा करने का चक्कर उसी का है। तो ऊर्जा क्या होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर जाएगी, तो बैलेंस होते होते जाएगी। जैसे जैसे जाओगी वैसे वैसे हमें ताकत आएगी, हमें वो सारे गुण आ जाएंगे, जितने भी गुण एक हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए फाइव एलिमेंट्स के, तो उसके हिसाब से हमारा शरीर सही ढंग से चलेगा, सब कुछ व्यवस्थित चलेगा, आकर्षण बढ़ेगा अपने आप, हमारा ऑरा पावर अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप लोग खींचे जाएंगे। जो पैसों पैसों का हम बोलते हैं अर्थार्जन, हर किसी को तो पैसा ही चाहिए,
क्योंकि पैसे के बिना होता नहीं है, तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ का जो आकर्षण है वो तुम्हारे बॉडी में रहता है, तुम्हारे ऑरा में रहता है। अगर तुम्हारा ऑरा सही ढंग से है तो वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि जिससे आपको फायदा होगा किसी भी तरीका। आपको नौकरी मिल सकती है उसके पास, अगर वो धनवान है बहुत, तो या फिर उससे ऐसा कुछ आपका संबंध जुड़ेगा कि पैसों से संबंधित जो भी रहेगी वो अब पूर्ति होती रहेगी आपकी। और अगर जैसे जैसे कम होते जाएगा तो फिर हर चक्रा का एक अपना अपना, अगर कोई रेकी सीखा होगा तो उसको पता है कि वो रेकी वाले बताते हैं, और वो है कि हर चक्रा का अपना अपना एक दायरा है। जैसे हार्ट चक्रा है तो यहाँ पे क्या है, इमोशंस है हमारे सारे, भावनात्मक जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे हैं। और जो हमारा मूलाधार है वो, उसको क्या, वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो पृथ्वी तत्वों में क्या आएगा, पैसा आएगा, स्थिरता सारी वहीं पे है, सब कुछ धान वान जो है वो सब हमारा नीचे है। और हमारी ऊर्जा नीचे जाती, नीचे जाके जमीन में धस जाती तो हमारे पास क्या बचा। लेकिन वो अगर ऊपर आए और वहाँ की ऊर्जा वहीं रहे, ऊपर की ऊर्जा, ये सातों चक्रों की ऊर्जा अपने अपनी जगह अगर रहे, हम बराबर चलेंगे। अब होता क्या है कि एक कम हो जाता, एक बढ़ जाता, एक कम हो जाता, पूरा आदमी डोल जाता, पूरा कुछ भी नहीं। और फिर उसके साथ में घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती, वो या तो गरीब होगा, बीमार होते जाएगा, तगड़े होते जाएंगे, कुछ तो कुछ तो होते जाएगा, या डिप्रेशन में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ घटित हो जाएंगी। ठीक है, तो ऊर्जा अगर ज़्यादा मात्रा में अगर यहाँ चले जाए तो इंसान अपना संतुलन खो देता है, तो वो क्या हो जाएगा, पागल, मेंटल। जो मैंने आपको बताया कि रास्ते पे जो लोग घूमते हैं उनकी कुंडली को अगर चेक करेगा कोई, तो उनकी कुंडली आपको बहुत हद तक यानी बहुत अच्छी मिलेगी। अब आप एक चीज़ ये भी बोलोगे कि अगर उसकी कुंडली नहीं अच्छी, आपने तो बोला कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, उसका पैसा मिलेगा, वो अच्छा रहेगा, फिर वो क्यों ऐसा है। तो आप उसमें एक देखो कि वो कभी बीमार नहीं गिरेगा। बहुत कम मात्रा में जो नैसर्गिक जो है, निसर्ग ने जो बना के रखा है वो उसी का है, उसका कम ज़्यादा उसका भी होता है। कम ज़्यादा अगर हो गया तो बीमार गिरेगा, लेकिन वो बीमार नहीं गिरता, फिर भी वो बीमार नहीं गिरता। हम लोग बीमार गिरते, वो नहीं गिरता। वो धूप में खड़ा रहता, हम धूप में खड़े नहीं रह सकते। अगर 47-48 अगर डिग्री सेल्सियस चल रहा है, हमको पसीना आएगा, हम सही ढंग से नहीं, और वो रास्ते पे भी बैठा रहेगा धूप के अंदर, उसको कुछ नहीं होगा। खाली उसकी ऊर्जा जो है वो कंटिन्यूशन में ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पे उसकी सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो अपना संतुलन खो गया। यानी कोई चीज़ ज़्यादा होना वो भी बेकार है, और कम होना तो बेकार है, इसलिए वो मध्यम होना। इसी के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है, कुछ हीलिंग ज़रूरी है। और आज मैं जो अभी करने जा रहा हूँ, ये आपका जो चक्रा है पीछे का चक्रा, इधर से होते हैं लोग बोलते यहाँ होते हैं, वो एक्चुअल में है एक ही जगह, बीच में सेंटर में है चक्रा। जाने कोई ऐसे मास का गोला नहीं है, वो एक हवा के माध्यम से ऊर्जा है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है ना, ऑपरेशन किया तो कोई हमको दिखते नहीं चक्रा, डॉक्टर ऐसा निकाल के नहीं रखेगा कि ये अभी ये हार्ट चक्रा है इसको रखो, ये चक्रा को रिपेयर करो फिर से लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिखता फाड़ने के बाद, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये चलता है। तो आज हम फाइव एलिमेंट्स का करेंगे, आप नए हो धर्मजीत को तो पता है, लेकिन हम लोग अभी करेंगे फाइव एलिमेंट्स को हमारे शरीर के अंदर में स्थिर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इनिशिएट करूँगा कुछ मंत्रों से। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाइए, ठीक है, और ढीला बैठिए, सांस को लीजिए पहले और छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे, गहरी लंबी सांस को लीजिए और छोड़ दीजिए। तो हमको बहुत ही ढीला महसूस करें और गहरी है।